हाय वेलकम टू द रिव्यू विद महावाश। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं उसका नाम है संगे मर्मर, और आज हम संगे मर्मर की 22nd एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करेंगे। संगे मर्मर तेजी से अपने अख्ताम की तरफ पहुंच रहा है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लूज एंड्स जो हैं वो टाई किए जा रहे हैं, अलबत्ता कुछ क्वेश्चंस अभी भी हमारे सामने मौजूद हैं। इस एपिसोड में हमने ये देखा है कि शमीम जो है वो गुलस्तान खान से कहती हैं कि दो बेटों को अब सूद की आग में जलाने के बाद तुम अब तीसरे बेटे को भी इस आग में धकेलना चाहते हो, क्योंकि दाजी चाहते हैं कि औरंग जो है वो ये सारा काम संभाले। और औरंग ये सारी जो सूद की किताबें हैं और ये चीज़ें हैं वो सब उठा के जला देता है। इस एपिसोड में हमें ये भी दिखाया गया है कि औरंग और पलवाशा के बीच में एक सॉर्ट ऑफ कनेक्शन शुरू है, और वो जो कनेक्शन है वो परवान चढ़ा है, और क्लियरली औरंग के दिल में पलवाशा के लिए बहुत जगह है और औरंग चाहता भी है पलवाशा से शादी करना। लेकिन अगली एपिसोड में दाजी शीरी से पूछते हैं कि क्या तुम चाहती हो कि औरंग से शादी करो। सो इट्स वेरी स्ट्रेंज दैट देयर आर डिफरेंट शेड्स ऑफ एम्पावरमेंट इन दिस कल्चर। हम ये देखते हैं कि कहाँ तो दुरखने जो है वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उनकी शादी तय भी हो गई है और वो दावतनामा भी सॉर्ट ऑफ देने आई हैं, पूछने आई हैं शीरी से कि तुम आओगी। और एक ड्रीम सीक्वेंस में हम देखते हैं कि वो कन्फेस कर रही हैं कि गौहर से शीरी का नहीं दुरखने का अपना ताल्लुक था। सो वाइल ऑल ऑफ दैट इज इन वन केस वेरी रिग्रेसिव एंड इट्स वेरी सैड कि औरतें किस तरह की सफोकेशन में झेल रही हैं जिंदगियां अपनी, मतलब बेवाओं को भी इस तरह बुरी तरह रखा जाता है। और कोई औरत जिसका भी अफेयर हो जाए तो औरत ही दागदार होती है, मर्द को कोई कुछ नहीं कहता। सो इन दिस वे इट्स प्रीटी स्ट्रेंज, बट एट द सेम टाइम दाजी बड़े आराम से शीरी से पूछते थे क्या तुम औरंग से शादी करोगी। तो एक तरफ हमें ये भी एक अजीबोगरीब शेड नजर आता है एम्पावरमेंट का, क्वेश्चन का, फ्रीडम का, चॉइस का औरतों के लिए। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग पार्ट, बिकॉज आई थिंक एज ऑडियंसेस हम जो भी चीज़ देखते हैं किसी भी ड्रामे में या किसी भी प्ले में, तो हम उसमें अपना एक नतीजा जो भी अखज़ करते हैं वो हम अपने हिसाब से करते हैं। बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने पिछले अपने कमेंट्स में मैंने देखा था यूट्यूब के ऊपर ही लोगों ने दिए हुए थे व्यूअर कमेंट्स प्ले के ऊपर, एंड दे वर सो सैड कि औरत खुद ये बिखेड़ा फैलाती है और ये खुद औरत का कसूर है कि जितने भी कत्ल हुए और फिर घर में छुप के बैठ जाती है और फिर भाइयों को लड़ने मरने के लिए भेज देती है। भाई इसमें भी आपको औरत का कसूर नजर आ रहा है, इसमें भी आपको औरत कसूरवार नजर आ रही है, आपको ये नहीं नजर आ रहा है कि गोली चलाने वाला कौन था। और ये बात दाजी भी इस एपिसोड में कहते हैं कि मैंने तो नहीं कहा था कि गौहर से कि मुर्गियों के पीछे सैफुररहमान का कत्ल करो। तो जो ट्रिगर दबाने वाला होता है या जिसने गोली चलाई होती है, कसूर तो उसका है ना। वो सारी अपनी जगह है, अपनी बातें ठीक है जी, किस कंडीशन में या किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है वो सब देखना जरूरी है, लेकिन जो जिसने जो क्राइम किया है इवेंचुअली सजा उसी को मिलनी चाहिए क्योंकि कसूर उसी का है। सो ये बात करना कि जी औरत का कसूर था, उसने उकसाया, उसने ऐसा किया, तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। और आई होप कि इन प्लेस के थ्रू हमें अंदाजा होना चाहिए इस बात का भी कि हर चीज़ में औरत कसूरवार नहीं होती। ये कल्चर औरतों का बनाया हुआ कल्चर नहीं है, ये कल्चर और इसमें ताकतवर जो है वो मर्द ही हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि परी जो है वो किसी तरह हथियाना चाहती हैं शीरी की जायदाद को। सो दैट्स सैड एंड अगेन ये जो उसका इविलनेस है, ये उसका सर्वाइवल है जिसकी वजह से वो इस माहौल में सर्वाइव करेगी। एक ऐसा मोमेंट इंसान की जिंदगी में आता है कि जब आपको लगता है कि ये मेरी सर्वाइवल के लिए मैं कर रही हूँ या इसमें मैं किसी और का नुकसान भी पहुँचा रही हूँ। तो आई थिंक परी के दिमाग में और परी की नज़र में वो लाइन मिट चुकी है, अब उसको किसी का नुकसान नहीं नजर आता, उसको सिर्फ अपना सर्वाइवल नजर आता है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस रिव्यू। आप बताइए आपको ये एपिसोड कैसी लगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आप डाउनलोड कर सकते हैं पटारी की ऐप और मेरे रिव्यूज उस पर भी सुन सकते हैं। लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्लिक ऑन सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।